हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए हम कुछ और सवाल की तरफ चलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरफ। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसे यहाँ पर देखें, एक सवाल है, 846 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए, दो भाग में विभक्त करना है यानी डिवाइड करना है, कि कीजिए कि प्रथम भाग का पांचवा भाग तथा द्वितीय भाग का आठवां भाग 3:4 के अनुपात में हो। ठीक है, किसके अनुपात में हो? 3:4 के अनुपात में। अब इसको आप सिंपल तरीके से 3:4 के अनुपात में कर सकते हैं विभक्त। कैसे करेंगे, चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आप इसका ए लिख मान लेते हैं, प्रथम भाग को ए मान लेते हैं और द्वितीय भाग को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रथम भाग का कैसरा भाग है भाई? पांचवा भाग है, और इसका बी का कितना है? आठवां भाग है। ठीक है, हम 5/8 के अनुपात में लिख सकते हैं, या फिर 5:8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमको चेक क्या करना है, ये कितने कितने अनुपात में है भाई? 3:4 में है, तो 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप इसका मल्टीप्लाई भी करके ला सकते हैं, या फिर और तरीके से भी आप ला सकते हैं। तो जनरली हम मल्टीप्लाई का यूज़ करके देखते हैं, 5 × 15 होगा, 8 × 32 हो गया। ठीक है, जब ये तरीका आपका आ गया, तो ए बी का हमको क्या पता चल गया? अनुपात पता चल गया। कैसे पता चल गया? 15:32। ये आपका किस तरीके से आएगा? अब आपको ये संख्या में बताना है। संख्या में बताने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जो संख्या निकल कर आए हैं उसको इक्वल करेंगे यानी प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं, जैसे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 × 2 = 7 आएगा, 3 × 1 = 47 आ रहा है फ्रेंड। ठीक है, जब 47 आ गया तो और कुछ नहीं करना है, अगर जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमको ए का निकालना है, तो 15/47, और उसके बाद यहाँ कितना है? 846, 846। ठीक है, अब इसको काटने के लिए कुछ नहीं, 47 × 1 = 47, फिर यहाँ पर एक बार ले लेंगे, 47 × 1 = 47, 47 आ गया। यहाँ पर कितना बचा? 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, फिर कितनी बार ले जाएंगे? 8 बार ले जाएंगे, ये 376 आ जाएगा, कट जाएगा आपका। ये बचा 15 × 18 करेंगे, आपका क्या आ जाएगा? ए का आंसर करके देख लीजिए आप, 8×40 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 5×1 = 5, 4×9 हो गया, मल्टीप्लाई 18 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 0×0, 9×8 = 17, 7 1×1 = 2, आपका 270 क्या आ गया फ्रेंड? ये आ गया पहला भाग। ठीक है, 270 पहला भाग आ गया। ठीक है, अब सेकंड भाग निकालने के लिए आप उस तरीके से मल्टीप्लाई ना करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर माइनस कर दीजिए, या फिर घटा लीजिए। घटा कर देखते हैं हम कितना आ जाएगा आपका। 846 माइनस 270 करेंगे, कितना आएगा? 6 × 6 = 7, 14 में से 7 गए 7 हो गया आपका, और यहाँ पर 7 बचा 7 में से 2 गए 5, तो आपका क्या आ जाएगा? अब क्या पूछा है कि अनुपात में हो, 3:4 के अनुपात में, तो जी हाँ, 270 × 576 करेंगे, ये आ जाएगा। इसको हम इरेज करके बता देते हैं आपको, ये आ गया 3:4 के अनुपात में, यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ये हमको लगता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, थैंक यू। चलिए यहाँ पर चलते हैं, क्या लिखा है? एक थैली में 1 रुपया और 50 पैसे और क्या है? 25 पैसे हैं। ठीक है, लेकिन इनका यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 25 पैसे के सिक्के हैं, 5:9:25 के अनुपात में है। यहाँ पर अगर आपको दिखाई ना दे तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर का इरेज कर देते हैं। ठीक, अब तो समझ में आ गया, 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन कितने हो? 1008 रुपये हो, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम चलते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनके अनुपात लिख लेंगे, 5:9:25। अब इनको हम क्या कर देंगे भाई, एक सहारा लेने के लिए हम एक्स का मल्टीप्लाई ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक्स से आप डरिए मत, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, 5 का कितना हो जाएगा भाई? 1, क्योंकि इसके बटे में आ जाएगा। तो 9 का कितना आ जाएगा? 50 50, क्योंकि भाई इतने इतने तो दिए हैं, एक सीरियल में, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 5:9:25 के अनुपात में है, तो उसके अनुपात के नीचे ही लिख रहे हैं हम, और इसका कितना आ जाएगा भाई? 25। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर हम 100 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा? 1 आएगा।
लेकिन अगर हम 100 में 50 का सॉरी मल्टीप्लाई ना करके हम 100 में 100 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और हम 100 में 50 का डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, 100 में अगर हमने 100 को डिवाइड किया तो 1 बचा, लेकिन अगर यहीं जगह 100 में 50 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। 100 को 25 में डिवाइड करेंगे, इसको 20, तो यहाँ पर 4 बचेगा। तो हम यहाँ पर इस प्रकार तो लिख सकते हैं ना, 5/1 9/2 1/25/4, इस तरीके से तो लिख सकते हैं। जी हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सबको क्या करना है, इसको हम डिनोमिनेटर पहले भी बताए हैं, इसको अगर इक्वल करना है तो सबको नीचे का जो हर है जिन डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना पड़ेगा। इसको 2 से किया, इसको 4 से किया, इसको भी 4 से, इसको भी 2 से, 9 दुनी के 18 आ गया और 5 चौक 20। तो एक अनुपात हमारा निकल करके चला आया, क्या आया, 20:18:25। ये अनुपात निकल कर आया, इसके बटे में क्या है भाई, 4 है, क्योंकि सबको हम एक मान लेंगे तो 4 आ जाएगा। अच्छा, हम इन तीनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, हाँ तो जोड़ कर देखिए आप कितना रहा है, 8 5 13 के 3 1 2 1 3, मतलब 5 1 63/4 आ क्या रहा है, 63/4। और इसको जो यक्स है, यक्स का यक्स ऐसे रख देते हैं इधर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 63/4 आ गया। अब इसको एक बात ध्यान रखिए, इसको हमको अगर निकालना है तो इक्वल किसके करेंगे, हम बराबर कर देंगे हम 1008 के, किसके, 1008 रुपये के। तो चलिए हम करके देखते हैं, 63/4 = 1008, ये आ गया आपका। अब यार जब ये आ गया तो अब हमको क्या पूछा है कि विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो चलिए हम इरेज करके यहीं पर बता देते हैं आपको, यहाँ पर यक्स है, ठीक है। अब हम इसको क्या काम करेंगे, 1008 इसको, अब जब ऐसे साइन लग जाए तो आप समझ लीजिए इसका पक्षांतर हुआ है, और पक्षांतर करने पे क्या आएगा आप देख सकते हैं। देखिए सीधा सीधा है, जो यक्स है यक्स यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये जो 63 है ना, पक्षांतर करने पे क्या होता है, जो चीज़ ऊपर होती है वो नीचे चला, जो 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 चीज़ डिनोमिनेटर होती है न्यूमरेटर हो जाती है, जो चीज़ न्यूमरेटर होती है डिनोमिनेटर हो जाती है, ठीक है, जो हर होती है अंश हो जाती है, जो अंश है हर हो जाती है। चलिए तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 1008 यहाँ पर आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा आपका, 63। अगर आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर 64 आ जाएगा, काट के भी देख सकते हैं आप, ठीक है, काट के देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम सवाल की तरफ डायरेक्ट। देखिए अब सवाल आपका पूछा है कि विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो अगर हमारा 64 आ गया तो सिक्कों की संख्या ज्ञात हो गई, पूछिए कैसे, चलिए हम बताते हैं। 64 है, अब जितने अनुपात में दिया है उतने अनुपात का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 5 का पहले का आ जाएगा, 1 का, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, यहाँ पर 64 × 9 करेंगे, उसका आंसर 25/4 25, इसका आंसर। अब बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, 1 का हम निकाल कर दिखा देते हैं, 5 और 20 के 0, 5 6 30 2 32, 1 का 320 संख्या आ जाएगा, किसका, 1 रुपये का। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं टोटल के टोटल। अब चलते हैं 20 संख्या की तरफ, इस सवाल की तरफ, ठीक है, ध्यान से देखिए। एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 9:8, कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 9:8, ठीक है। तो जी हाँ यार, आप तुरंत लगा सकते हो, क्या कर दिया है, इनके अनुपात में कमी कर दी गई, यानी कम कर दी जाती है, 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है, तथा उनके दैनिक वेतन में जो पैसा नहीं होता उसमें वृद्धि कर दी जाती है, लेकिन कर्मचारी को ही निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब पूछा है 14:15 के अनुपात में दैनिक वेतन अथवा बिल किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी। हमने क्या बताया, दैनिक वेतन में तो वृद्धि हो रही है लेकिन कर्मचारियों की संख्या में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। चलिए हम यहीं पर लगा कर दिखाते हैं आपको, सिंपल है, जैसे आप लगा लीजिए कि यहाँ पर कमी कितनी हो रही है, 9/8, ठीक, ये हो गया। और वृद्धि कितने की हो रही है भाई, 14:15 या 14:15 के अनुपात में, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आप कुछ मत करिए, मल्टीप्लाई का सहारा लेकर तुरंत काट कर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 8 120 आ गया और 14 9 126, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो इसमें सिंपल है
कि जो हमारा पहले था उसमें वृद्धि थी, लेकिन जो अब का है उसमें कमी हो रही है, ठीक है, या फिर अब का जो है उसमें कमी हो रही है। कैसे कमी हो रही है? जैसे यहाँ पर देखिए, हम काट दिए 6 से, 6 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, सॉरी 6 × 2 = 12, यहाँ पर 20 आ गया, 6 × 6 हो गया, 6 × 2 = 12, यहाँ पर भी 6 × 6, यहाँ पर 21/20। तो ये तो पहले का था ना, लेकिन अब क्या हो रही है? कमी हो रही है किसके? पहले की अपेक्षा, ठीक है, पहले की अपेक्षा क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो थैंक यू, हमें लगता है कि आपको ये टोटल का टोटल वीडियो समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को शेयर करें। थैंक यू।